नमस्कार, इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, जिसे बहुत से जगहों पर कच्चू कहा जाता है, कहीं कहीं इसे पेचकी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एरम। तो चलिए बनाते हैं मसालेदार अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी को बनाने से पहले हमें क्या करना है कि इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से छील लेना है। इसमें मिट्टी बहुत लगी होती है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से चाकू की मदद से छीलकर और फिर इसे हमें काटना होता है। तो यहाँ मैंने पहले से ही लगभग 1 kg अरबी को छीलकर और अच्छे से धोकर काटा हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अरबी की सब्ज़ी। अरबी को बनाने के लिए मैं पहले अरबी को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें बहुत थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंगली डालें, लेकिन कम ही डालें क्योंकि बाद में इसे जब हम ग्रेवी लगाएंगे ना तो उस समय भी हमें मिर्च डालनी होगी। धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इस वक्त हम इसमें 1 चम्मच के बराबर तेल ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अरबी में अच्छे से कोट हो जाए, और इसे इस तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, इस पे मैं सरसों तेल डालती हूँ। ज़्यादातर सब्जियों को मैं सरसों तेल में ही खाना बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अरबी को फ्राई भी करनी है और इसी तेल में हमें इसकी तरी भी लगानी है, इसलिए तेल अभी मैं कुछ ज़्यादा ही डाल रही हूँ। लगभग आधी कटोरी मैंने इसमें तेल डाल दी है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं अरबी को फ्राई करना शुरू करती हूँ। इसे हम फुल फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि इसे हमें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी रस लगाएंगे ना उस समय भी अरबी थोड़ी सी पकेगी। जब तक अरबी फ्राई हो रहा है तब तक हम अरबी के रस के लिए मसाले को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सरसों लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इन सभी मसालों को मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसके बाद अरबी की कड़ी लगाएंगे। ये देखिए, अरबी जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। लगभग 5 से 7 मिनट लगे हमें इसे फ्राई करने में। अब जो मसाले हमने मिलाकर पीसे हैं ना उसको मैं इसमें मिलाती हूँ। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, इन मसालों को इसमें मैं मिलाती हूँ। मैंने यहाँ पे पीले सरसों को यूज़ किया है, आप चाहे तो काले सरसों को भी यूज़ कर सकती हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और थोड़ी देर इन मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि सरसों के साथ क्या है ना, अगर वो अच्छे से नहीं भून पाएगा ना तो एक तीखापन आता है टेस्ट में। इसी स्टेज पे इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करते हैं। पहले मैंने बहुत ही कम नमक मिलाया था, तो अभी स्वाद अनुसार नमक इसमें थोड़ी सी डालती हूँ मैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब इन्हें मैं तेज फ्लेम पे ही थोड़ी देर अच्छे से भून लेती हूँ। इस वक्त इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ऐड करती हूँ। आँच को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत स्लो या बहुत तेज़ पे नहीं भूनना है। ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करती हूँ।
क्योंकि अरबी जो है वो हमारा ऑलरेडी गल चुका है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करनी है। अब इसे मैं एक ढक्कन से ढक देती हूँ और स्लो आंच पे 5 से 7 मिनट के बाद देखती हूँ अरबी कैसी हुई है। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटाकर देखती हूँ कि हमारी अरबी की सब्ज़ी कैसी हुई है। देखिए बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी, हमें इतनी ही रखनी है। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है इसमें, और अरबी भी हमारा ये देखिए बिल्कुल गल गया है। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस की जगह पे आप अमचूर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया इसमें और अब इसे गर्मा गर्म एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये अरबी की सब्ज़ी रेडी। आप एक बार इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी ये सब्ज़ी कैसी लगी।